रावलपिंडी टेस्ट से कबल पाकिस्तान टीम इस वक्त ट्रेनिंग में मसरूफ़ है और आप देख सकते हैं कि जो बैटिंग करने के लिए आए हैं वो हैं फवाद आलम, कराची टेस्ट के हीरो। शानदार 100 करके इन्होंने पाकिस्तान टीम की लाज रखी। स्टांस आप इनका देख सकते हैं खड़े होने का, कि इंतहाई मुनफरद, पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के अंदर सेंचुरी और उसके बाद कराची टेस्ट के अंदर सेंचुरी करके बहुत सारे फैंस में इजाफा किया है फवाद आलम ने। और जिस तरीके से खड़े होते हैं यही इनकी खूबसूरती है। और जिस तरह से कागिसो रबाडा जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि फवाद आलम जिस तरह खड़े हो रहे थे, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जिस तरह शायद बॉलिंग करनी है। आपको बताता हूँ, ये आप हारिस रऊफ थे बॉल करने के लिए आए। अच्छा, उनका स्टांस देख ऐसा लगता है जैसे शायद लेग अंपायर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बॉलर सामने मौजूद हैं। यासिर शाह हैं, टांग उठा के पूरा बॉल के ऊपर आके खेला फवाद आलम ने। नुमान अली, दुनिया के क्रिकेट हलकों में इनके स्टांस को लेके, खड़े होने के अंदाज को लेके चर्चे हैं। कोच मिसबा, ये आप देखें ऐसा लग रहा है लेग अंपायर बॉल करने लगे हैं, लेकिन नहीं, सामने बॉल करेंगे ताबिश खान। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं, पहले बाबर आजम को बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्ब किया आज के ट्रेनिंग सेशन में, और अब फवाद आलम को। हारिस रऊफ, ये देखें क्या अंदाज है, कोच मिसबा परेशान, यासिर शाह आए बॉल करने, वाकई जिस अंदाज में वो खड़े होते हैं तो बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है कि समझना कि उनको कहां पर बॉल करें। होपफुली साउथ अफ्रीका ने समझने की कोशिश तो उनको की होगी और उनके फवाद के ख़िलाफ़ प्लान भी तैयार होगा अफ्रीका का, लेकिन कितना कामयाब होता है इसके बारे में कहना कुछ भी कबल इस वक्त है, क्योंकि फवाद अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है। वेल लेफ्ट फवाद आलम, और अच्छा बॉल आते साथ ही साजिद खान को सेंटर विकेट में बुलाया गया है और आते साथ ही उन्होंने रिसीव किया फवाद आलम को। एक बार फिर यासिर शाह, कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेला, बॉल विकेट में लगी, नहीं तो यकीनी तौर पर विकेट के पीछे बैठे हुए यूनस खान बॉल को पकड़ने के लिए तैयार थे। मिसबाउल और वकार यूनस पे एक्स्ट्रा बर्डन भी डाला गया क्रिकेट कमेटी की जाने से, भी कहा गया कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हारने का कोई जवाब नहीं बनता होम सीरीज़ में, तो वो प्रेशर दिखाई दे रहा है कि कॉमेटी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी कराची टेस्ट के अंदर और चौथे दिन ही वो टेस्ट ख़त्म किया, तो एतमाद यकीनी तौर पर कोचिस का भी बहाल हुआ। खुशाइन बात है कि कॉमेटी ने होम सीरीज़ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो कि सफ़े अव्वल की टीम है दुनिया क्रिकेट की, उनके खिलाफ फतह हासिल की। लें जी फौलाद आलम, एक बार फिर हाँ।
यासिर शाह। तो मोबाइल से भी ऊपर सीधे करो।